श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और अभी मैं लेकर जा रही हूँ आपको हमारे मक्का के खेत में। और वहाँ पर हम लोग जानवरों के लिए कुट्टी बना रहे हैं और वो कैसे बनाते हैं, क्या करना है, वो सब कुछ दिखाती हूँ। आज तो मेरी तबीयत भी सही नहीं है, बहुत फेवर चढ़ चुका है, लेकिन घर में बैठा नहीं जा रहा, इसीलिए उधर लेकर जाऊंगी मैं आपको। तो चलो फिर वही चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हमारे इधर आज मकई की कटाई शुरू है और कटाई कर इसको हरी ही है उसको काट रहे हैं। और इसमें अच्छी सी मक्का अभी लग चुकी है, उसमें दाने भी है और ये अभी पूरा कट करके इधर मशीन खड़ी है, कुटी मशीन, तो उसमें डाल रहे हैं ताकि वो फटाफट से इसको कट करके वहाँ ट्रैक्टर में भेज दे। और उसी के साथ ये देख रहे हो आप, ऊपर से खींच रहा है उसको बार बार, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ डाल रहे हैं और ये मशीन है कि राक्षस की तरह फटाफट से खाए जा रहा है। ये रोबोट ही है जो इतना सारा काम कर सकता है, रोबोट यानी कि मशीन। तो ये मशीन देखो आप कैसे फटाफट से इसको काम कर रहा है और बेचारे मजदूर वर्कर इधर उधर भागते हुए उसको लेकर आ रहे हैं। और योगेश, क्योंकि ये नीचे 7-8 लोग हैं और बेचारा योगेश उसका ले एक ही हेल्पिंग हैंड है ऊपर और दोनों उसको दबा रहे हैं, क्योंकि ये फिर दबाने तो बहुत जल्दी भर जाएगा और इसको थोड़ा दबाना पड़ता है ताकि इसमें ढेर सारा एक ही चक्कर में जाए। और ये ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर का प्राइस होता है 4000 देने के लिए उससे उतना काम कराना पड़ेगा ना, इसलिए उसको दबा दबा के भर रहा है, पैक कर रहा है उसे। फिर भी ये ना सुन नहीं रहा, लेकिन इधर से इतना सारा पता पड़ा आ रहा है, इतना पटना हो चुका है, फिर भी उसे ये करता जा रहा है, क्योंकि अभी नहीं किया तो फिर ये ट्रैक्टर ऐसे भर के लेकर गया तो भर तो कम जाएगा और फिर इससे चार दो ट्रैक्टर भरने वास्ते 3 ट्रैक्टर भर जाएंगे और फिर 4000 रुपये का खर्चा इसीलिए। और आप देख सकते हो पूरा ट्रैक्टर अच्छे से भर चुका है और आज का काम इन्होंने रोका है, क्योंकि ये हमारे पास इवनिंग टाइम में आए थे, फिर भी इतना कट करके भरा। और इधर इन दोनों के हाथ पांव खुल गए ऊपर से दबाते, और इधर इनके भी, क्योंकि ये काम बहुत हार्ड वर्किंग होता है किसानों का। लेकिन मुझे फिर कमेंट्स आते हैं कि किसानों का काम ही हार्ड वर्किंग होता है क्या, जॉब पर्सन का काम नहीं, हर एक का काम हार्ड वर्किंग ही होता है। लेकिन ये फिजिकल मेंटल दोनों भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जैसे कि ऑफिशियल टाइम में आप बैठ के काम से कर सकते हो, एसी में ये सब नहीं होता है। अभी यहाँ पे इतनी धूप थी, अभी शाम होने को आई, फिर भी इन्होंने भागते दौड़ते किया। और नीचे से ये कट किया हुआ वो भी पैरों में चुप सकता है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, फिर भी क्योंकि इसको कट करते तो इसके बहुत सारे नोकीलेपन आ जाता है। और अभी इसे ट्रैक्टर मशीन को हटाकर ट्रैक्टर को जोड़ेंगे ताकि इसे उठाकर वहाँ पे ले जा सके जहाँ पे हमारा काऊ फार्म है, तो काऊ फार्म की ओर लेकर जाना है वो, क्योंकि उन्हीं के लिए हम लोगों ने ये कुट्टी बनाई है और ये चारा खाने के लिए बहुत अच्छा। और योगेश देखो कहाँ से नीचे उतर रहा है वहाँ, और फिर मुझे लगा कि बच्चों के लिए भी मक्का लेते हैं क्योंकि ये खाने के लायक है अभी, और अभी नहीं खाई तो फिर ये अच्छी नहीं लगती। और उधर सामने से कुत्तिया है जिसने बहुत सारे बच्चे वहाँ पे किसी को भी आने नहीं देती, फिरकने तक नहीं देती, और मुझे पता ही नहीं था। और योगेश मुझे बोल रहा था कि ताई उधर मत जा, फिर भी मैं वो एक एक खोजने के चक्कर में, क्योंकि अभी ऐसी नौबत आ पड़ी है कि इसको ढूंढना पड़ रहा है अच्छे वाले। ये मैं ढेर सारी मकई वहाँ से तोड़ कर लाई हूँ, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी, और जानवरों को खिला रहे हम लोग, तो देखो इतना अच्छा चारा खिलाते हैं, इसीलिए दूध का रेट तो बढ़ेगा ना। अभी उस ट्रैक्टर को कुट्टी कराने के लिए, उसको कट करने के लिए, उसको वहाँ से और वापस भरने के लिए एक ट्रैक्टर का 4000 रुपये हम वर्कर को देंगे, और उसके बदले में उनको वो भर के भी देंगे हम लोगों को, और वो सब निपटाएंगे। तो उसके वजह से उनको, और उन्होंने बहुत सारा काम पहले से कर चुके थे, दूसरे और भी उन्होंने किया है और यहाँ पे भी किया। और ये मैं बहुत सारी मक्का, मैं कुछ तो लाई नहीं थी, ऐसी बीमार थी, पड़ी पड़ी
चल देखने आई, लेकिन जाते जाते बच्चों के लिए ढेर सारी मकई, और खुद को भी बहुत पसंद है, ये मेरी फेवरेट है, इसको भी लेकर जाऊंगी और इसे भून कर खाएंगे, बहुत अच्छा है। या इसे उबाल कर नमक डालने से भी बहुत अच्छा लगता है, तो और ऐसे खेतों में खाओ तो बहुत टेस्टी। लेकिन अभी टाइम नहीं, शाम होने आई है, इसकी वजह से इसको अभी घर पे लेके जाएंगे, सब मिल बांट के तभी खाएंगे। लेकिन फटाफट चलते हैं, वो चारा कैसे भरते हैं उसको देखेंगे हम, बहुत पैक कैसे कर रहे हैं, ताकि चारा स्टोर करके रखना है ना, तो इसी वजह से उसको लेकर गए अभी फटाफट से। हमको भागना होगा जल्दी से, वरना वो इतनी स्पीड है उनको कि वो भर देंगे। तो चलो फिर, और हमारे रास्ते ऊपर नीचे ही ऐसे अभी, और इस साल बिल्कुल भी बारिश नहीं अच्छी, इसीलिए मक्का देखो मेरे कमर तक भी नहीं आई, नहीं तो वह उस पर खो जाते हम लोग, मेरे सर के ऊपर से चली जाती, इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर नीचे चलो, तो वो चारा अभी कुट्टी करके इधर लेकर आए, और अभी यहाँ पे तैयारी चल रही कि उसको स्टोर करके रखना है, ताकि इसे स्टोर करके रखेंगे, इसे भरना है इसमें। देखो जैसा स्टैंड लगाया उन्होंने, और अभी उसमें डालेंगे ये, और एक पहले से पन्नी लगाई, फिर उसके ऊपर एक पन्नी लगा डाल रहे हैं, ताकि इसको बिल्कुल की बाहर की हवा ना लगे, और बाहर की हवा नहीं लगी तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता, बहुत मेहनतों की इसे अच्छे से खा सकते हैं। और ये जानवरों के लिए भी बहुत हेल्दी है, तो इसकी वजह यही है कि इसे जब भी ये हरा भरा हो, क्योंकि हरा चारा हमारे पास पूरे साल भर नहीं रहता है, तो इसको ऐसे कुटी करके रखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन तक ये चल पाता है। जैसे कि हम लोग हमारा किराना स्टोर करके रखते हैं, उसी धान गेहूँ ज्वारी बाजरी इसको स्टोर करके रखते हैं, चावल उसी तरह से इसको स्टोर करके रखना है अभी। और अभी देख सकते हो आप, इसे बहुत अच्छा लगता है सब कुछ देखना, लेकिन दूर से बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें काम करने जाओगे ना तो बहुत पसीना पसीना हो जाता है, ये बहुत हार्ड वर्किंग है। अभी देखो ये पूरा इसे नीचे डाल दिया, और इसे नीचे डालने के बाद सब उधर से लेकर इधर आ गए, अभी यहाँ पे उन्होंने कुत्ते पे गिराया, अभी सब मिल बांट के यहाँ पर ये सब बहुत लगाया। अभी इसको हिंदी में क्या बोलते मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी इसमें वो पैक करेंगे, क्योंकि ये स्टोर करके रखना है बहुत महीनों के लिए, तो उसको बहुत अच्छे से करेंगे, बिल्कुल भी इसमें हवा जानी नहीं चाहिए, यदि हवा गई तो उसमें बुरसी फंगस लगता है, ख़राब हो जाता है, इस वजह से उसको पैकिंग में बहुत अच्छे से देना बहुत ज़रूरी। तो अभी हम देखते हैं उनको कैसे करते हैं, उसको अंदर है उसके। काय करताय तुम्ही सांगा बरं, आता इकडे विकडे बघून सांगा काय करताय तुम्ही। मुरगास काय काय जनावर आपण त्याला काय देताय, पॅकिंग देताय का? पॅकिंग बनवताय ना, खाली बघा टाईट झालं ट्रैक्टर को यहाँ पे खाली करके धीरे धीरे खींच रहे उसको, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है और इसे मिट्टी में नहीं मिलाना है। यहाँ पे उसने नीचे एक ताड़पत्री फैलाई उसके ऊपर, और अभी देखो इसे भरने को आया, और यहाँ पे भी इसको पैकिंग देने के लिए उसके कूदना ही पड़ रहा है, और इनके घमेले बहुत बड़े मोटे मोटे हैं, और उसको उठाना बहुत मुश्किल है, फिर भी बेचारे सुबह से शुरू है और ये सब उठा उठा कर यहाँ पे डाल रहे हैं। और
तो अभी फटाफट से वो इसमें से निकाल कर इसमें भर रहे और दोनों भी बहुत अच्छे से तीनों लोग मिलकर उसको दबा रहे ताकि वो कहीं से भी उसमें हवा रहने की गुंजाइश ना हो इसी वजह से। और इधर से लोग फटाफट से लाकर उसमें डाल रहे हैं और ऐसे करते करके धीरे ऐसे लग रहा है मेरे को पूरा ट्रैक्टर इसमें बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें फिर भी चार बहुत भरने वाले। और ऐसे करते करते अभी ये पूरा भर चुका है और इन तीनों ने बेचारों ने पाँव दर्द करने तक इसे दबाया है। और अभी देखना आप ये कैसे अच्छे से टाइट हो जाएगा, कहीं से भी इसमें हवा नहीं जाएगी और इसको बांध कर रखेंगे अभी। और जैसे जैसे इसको ज़्यादा दिन हो जाते हैं ये खाना और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है जानवर का और बड़े चाव से खाते। और जो हाइब्रिड है वो तो बहुत ही, और ये देखो कैसे थक गए बेचारे, दिन सुबह से शाम तक काम करते हैं। जीवन क्या लगा आता किती वाजले, किती वाजले आता तास नऊ पासून सहापर्यंत ले काम झालं आज काय रोजच राहत असं रोज 10 वाजता ही 10 वाजता हा 10 वाजता कधी कधी। अरे बापरे, पैसे किती पडते हातात दिवसभरात? पडते 400 रुपये 400 रुपये 500 रुपये 400-500 साठी एवढं काम करला ते म्हणाले आम्ही फेमस झालो आता देख सकते हो यहाँ पे दो, एक तो भर गया अभी दूसरे की तैयारी कर रहे हैं उसको, क्योंकि एक ट्रैक्टर में करीबन 4 भरते हैं लेकिन इसमें ये दबा नहीं पाए इसीलिए 3 ही भरे, क्योंकि ये मैं बाद में एडिट कर रही हूँ तो 3.5 भरे, बाकी का कम हुआ। लेकिन ये जानवर के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी काम आते, तो साठवून ठेवायचं आहे, जसं आपण भूस साठवून ठेवतो ना तसाच हा ओला चारा ठेवायचा, हा खूप पौष्टिक असतो त्यांच्यासाठी। और जब तक ट्रैक्टर ख़त्म नहीं होता उसे खाली नहीं करते तब तक इनका काम भी स्टॉप होने वाला नहीं है। और ये ना इतनी बरकत आती है उसको, कितना भी भरो टोक एक के बाद टोकरा भरता ही रहता है। खाने के लिए लेकर जा रहे हैं, इस साल तो अच्छी मकई हुई नहीं है, फिर भी देखते हैं इसमें थोड़े पार दाने निकलते हैं कि नहीं। ये देखो थोड़ा सा ये ठीक ठाक निकला, लेकिन कुछ तो बस ऐसे ही है, कुछ भी नहीं उसमें। इस साल सब फसल फैल गई, एक भी अच्छी सी नहीं आई, जीव भी लगाए, कभी मार्केट नहीं मिला तो कभी मौसम ने धोखा दे दिया। देखो अब तो चल के लगे बंद के तुम्हें तो चल के देखो, कुछ नहीं इसमें, ऐसे निकलेंगे तो पूरा खेत भी निकालेंगे तो क्या आएगा उसमें से। और सब काम निपटा कर अभी घर आ गए, अभी तुलसी को दिया बाती, भगवान को दिया बाती हो गई है, घर में चलते अभी तो घर में भी बाती सब कुछ हो गया हमारा। और दिया का बाती के बाद अभी देखो मोदक भी बनवाए यहाँ पे, और मैंने चाय को भी पानी रख दिया है पीछे से, क्योंकि आने के बाद अप्रेश पिए बिना मेरा काम शुरू नहीं होता। और अभी भी यहाँ पे चटनी बनी है हमारी चटपटी की, आमच्या घरात एनी टाइम सापडतो, सगळ्यांना खूप खूप आवडतो, पण कोणाला आवडतो जवसाची पण चटणी बनवून भारी। चला मग आज संध्याकाळी त्यावर भजे पण वाटत मला, वास येतोय थोडा थोडा, मी कोथिंबीर पण घेऊन आली। और सिंपल सा खाना है, पकोड़ा है, बाजरे की रोटी है, अब सब्जी है, रोटी है और चटनी है, मोदक है, पापड़ है, ये बाजरे की खारोड़ी है, पापड़, नींबू अचार है और टी, और सब बहुत प्यार से एक साथ एक दूसरे के साथ खाते हैं, बिल्कुल भी
आगे पीछे नहीं होते हैं। हम लोग जब भी खाना खाते हैं एक दूसरे के पास होते, तो ऐसे ही करना। तो अभी हम सब फैमिली मिलके खाना खा रहे हैं, इसलिए ढेर सारा खाना बना है बहुत अच्छे से, बढ़िया से। आज मासी आई इसलिए स्पेशल खाना है, नहीं तो हम लोग इतना सारा नहीं बनाते है ना दी। एक सब्जी कभी कभी बन जाता है, एक रोटी सब्जी, लेकिन आज तो ढेर सारा बना, अच्छा लग रहा है। आई भी बैठी इधर, पापा भी है इधर, सब मिलके अभी खाएंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा कि ये हमारे यहाँ पर हम लोगों ने मक्का तो इतनी अच्छी सी आई नहीं थी, उसको मार्केट के लिए उसको कुछ रेडी नहीं हो जाती। उसके अलावा हम लोगों ने उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके यूज़ किया, क्योंकि इसको हम कुट्टी करके चारा खिलाएंगे। और अभी जानवर हमारे, जैसे हम अनाज स्टोर करके रखते हैं, उसी तरह से ये जानवरों के लिए स्टोर करके रखा। और ट्रैक्टर देखो इधर से कैसा दिख रहा है, क्योंकि वो उल्टा कर चुके हैं ताकि उसे खींचने में आसानी हो। तो आज की वीडियो यही रोकते हैं, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूल। तो फिर मिलते हैं नए नए अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।